संजय एक छोटे से शहर में अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम नोनू था। नोनू बहुत छोटा ही था कि तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन नोनू ने अपने पापा से कहा, पापा सबकी मम्मी है, मुझे भी एक मम्मी चाहिए। तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? माँ आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेना है। ठीक है दे देना, मैं अभी पैसे लेकर आई। माँ अपने पर्स से पैसे निकाल कर नोनू को दे देती है। माँ आपने भैया को तो पैसे दे दिए, मुझे भी पैसे दो ना। नोनू भैया को अपने दोस्त के जन्मदिन के लिए गिफ्ट देना है, इसीलिए वो पैसे मांग रहा है। पर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? माँ मुझे अपने लिए वीडियो गेम लेना है। देख पारस, मेरे पास ये उल्टी सुल्टी चीजों के लिए पैसे नहीं है। आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में कम, खेल कूद की चीजों में ज्यादा रहता है। माँ पारस को पैसे नहीं देती तो पारस उदास मन से वहाँ से चला जाता है। वो सोचता रहता है, ये मेरा सौतेला भाई है, फिर भी माँ उसे ज्यादा प्यार करती है और मुझे कम। पारस को दिन पर दिन अपने भाई नोनू से नफरत होने लगी थी और दोनों भाई बड़े होने लगे थे। जैसे जैसे दोनों बड़े हो रहे थे, पारस की नफरत नोनू के लिए बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, पारस और नोनू ऑफिस से घर आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ मुझे कल ऑफिस के काम से मुंबई जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी पैकिंग कर दूंगी और तुम्हारे पापा तुम्हें जल्दी उठा देंगे। माँ मैं भी नोनू भाई के साथ मुंबई जाऊंगा, नोनू भाई का यूं अकेले जाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं भी भाई के साथ मुंबई जाऊंगा। माँ को पारस का नोनू के लिए बदला हुआ व्यवहार देखकर अच्छा लगता है। चले जाना, मैं तुम दोनों भाई की पैकिंग कर दूंगी। और अगले दिन दोनों भाई मुंबई के लिए निकल जाते हैं। मुंबई पहुंचकर नोनू पारस से कहता है, मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है भाई, तुम जाओ मैं अपना ध्यान रखूंगा। नोनू ऑफिस के काम से निकल जाता है। इधर पारस नोनू को मारने का प्लान बनाता है। वो सोचता है, इस नोनू को कैसे मारा जाए जिससे कि मुझे मेरा हक मिल सके और मैं इस घर का मालिक बन जाऊं। मैं तो उनके लिए कुछ नहीं हूँ, माँ भी नोनू भाई को अपना बेटा मानती है, मैं तो जैसे उनका कुछ लगता ही नहीं। और फिर रात को नोनू भी ऑफिस से घर आ जाता है। और पारस, यहाँ मन तो लग गया तुम्हारा? हाँ भैया। पारस नोनू को खाना खाने के लिए कहता है। चलो पारस खाना खा लो, कल हमें वापस घर भी जाना है, यहाँ का काम तो खत्म हो गया, हमें सुबह जल्दी ही निकलना पड़ेगा। पारस और नोनू खाना खाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह, पारस जल्दी करो, लेट हो रहा है। अभी आया भैया। पारस अपने साथ एक बैग में मिट्टी के तेल की बोतल और माचिस रख लेता है। इस बात का नोनू को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। फिर दोनों भाई अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में पारस चुपचाप बैग से मिट्टी के तेल की बोतल निकाल कर गाड़ी में डाल देता है। नोनू भैया मुझे टॉयलेट जाना है, जरा गाड़ी रोक दो प्लीज। नोनू गाड़ी रोक देता है। पारस माचिस जला कर गाड़ी से नीचे उतर जाता है और वो दूर निकल जाता है। नोनू इस बात से बेखबर था कि गाड़ी में आग लग चुकी है। तभी गाड़ी में जोरों की आग लग जाती है। ओह, मुझे बचाओ, गाड़ी में आग लग गई है, मुझे बाहर निकालो पारस, मुझे निकालो पारस। पारस दूर खड़ा सब देखकर हंस रहा होता है और उसे इस तरह से हंसता देखकर नोनू को सब समझ आ जाता है कि ये सब पारस का करा धरा है। तभी नोनू की मौत हो जाती है और वो एक भूत बन जाता है। वो पारस के साथ घर पहुंच जाता है। पारस को अकेला आते देख माँ पारस से पूछती है, पारस नोनू कहाँ है, वो नहीं आया क्या? पारस माँ को सारी बात बताता है। माँ गाड़ी में आग लगने की वजह से नोनू भाई की मौत हो गई। माँ नोनू की मौत की खबर सुनकर बहुत रोती है। माँ मैंने नोनू भैया को बचाने की बहुत कोशिश की पर मैं बचा ना सका। माँ
होने को कौन टाल सकता है, कौन टाल सकता है। फिर पारस घर से बाहर चला जाता है। नोनू जो भूत बन चुका था वो पारस के साथ साथ चलने लगता है, तो पारस को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उसके साथ चल रहा है। पारस अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और वो उनके साथ शराब पीने लगता है और कहता है, हे, आज तुम सबको मेरी तरफ से पार्टी। क्या बात है, आज किस खुशी में पार्टी दे रहे हो हैं? अरे आज जितना चाहे पियो, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या मिल गया जो इतना खुश हो रहे हो? कोई तगड़ा माल हाथ लगा है क्या? कुछ ऐसा ही समझो, आज मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। बस नोनू की तरह उसके बाप को रास्ते से हटा दूं। भूत पारस की बात सुन रहा होता है, उसे सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा अब मैं घर चलता हूँ, बाय। घर जाकर पारस आराम से सो जाता है। और अगले दिन, माँ आज मैं पिताजी के साथ ऑफिस जाऊंगा। हाँ बेटा, अब तुम्हें ही सब देखना पड़ेगा। बेटा तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें घर जल्दी ले आना। हाँ माँ, मैं उन्हें जल्दी ले आऊंगा। पारस अपने पिताजी के साथ काम के लिए निकल जाता है। नोनू भी उन लोगों के साथ चल देता है। पारस रास्ते में एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक देता है। पिताजी लगता है गाड़ी खराब हो गई है, मैं अभी किसी मैकेनिक को लेकर आता हूँ, आप इधर ही रुकना। ठीक है तुम जाओ, पर जल्दी आना। पारस सोचता है, पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं इन्हें यहीं सुनसान सड़क पर छोड़कर घर चला जाता हूँ, रात को कोई गाड़ी आकर पिताजी को कुचल कर चली जाएगी, फिर मैं आराम से इस घर पर राज करूंगा राज। पारस अपने पिताजी को अकेला छोड़कर चला जाता है। शाम भी हो जाती है पर पारस नहीं लौटता। उधर पारस के पिताजी की तबीयत भी खराब होने लगती है। तभी भूत अपने पिताजी के सामने आ जाता है और पारस की हरकत के बारे में सब बताता है। पिताजी ये सब पारस की चाल है, वो आपको मारना चाहता है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही मुझे, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। फिर भूत अपने पिताजी को घर छोड़ देता है और वो अपने पिताजी को पारस से सावधान रहने को कहता है। पिताजी को घर पर देखकर पारस के होश उड़ जाते हैं और वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आप यहाँ कैसे? क्यों, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा? वो पिताजी कुछ नहीं, अच्छा हुआ आप सही सलामत घर आ गए, मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो रही थी। रात को जब घर के सब लोग सोए हुए थे तब पारस अपने पिताजी के कमरे में जाकर अपने पिताजी का तकिए से मुंह बंद करता है। तभी कमरे की लाइट जल जाती है, अपने ही जाल में वो फंस जाता है और रंगे हाथों पकड़ा जाता है। पारस अपने पास भूत को खड़ा देखकर डर जाता है। तभी भूत पारस का गला पकड़ लेता है। तू मेरे पिताजी को मारना चाहता था, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। माँ भी पारस की करतूत देख बहुत शर्मिंदा होती है कि एक बेटा ही अपने पिता को मारना चाहता है। तभी माँ पारस से बोलती है, पारस तू अपने ही बाप को मारना चाहता है क्यों? हाँ, हाँ मैं अपने बाप को मारना चाहता हूँ, क्योंकि नोनू मेरा सौतेला भाई है, मैं इससे नफरत करता हूँ माँ। माँ को नोनू की हत्या के बारे में सब पता चल जाता है और वो भूत से कहती है, इसे छोड़ना मत, ये तेरा हत्यारा है और ये तुम्हारे पिताजी को मारना चाहता है। पारस वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो भूत उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है और पारस से कहता है, मैंने तुम्हें कभी अपना सौतेला भाई नहीं समझा, पर तुमने मुझे अपना सौतेला भाई ही समझा, तुम्हें मुझे मार कर चैन नहीं पड़ा जो तुम अपने ही पिताजी को मारने चले थे। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और वो पारस को नोनू की हत्या और अपने पिताजी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। पिताजी अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब मुझे जाना होगा। ये कहकर भूत चला जा